वेलकम टू बी एल इंग्लिश क्लासेज। टुडे वी आर गोइंग टू रीड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो देखिए बच्चे, आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से देखें कि यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है और यह किस तरह से बनता है। तो देखिए यहाँ पर आप अच्छी तरह से ध्यान दें कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किस तरह से बनता है। तो हेडिंग डालेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हमने हेडिंग डाल ली। अब इसकी पहचान लिखेंगे, पहचान 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 है ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहे होंगे और समय भी दिया होता है, समय भी दिया होता है। तो ऐसे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा होगा, कपिल 5 बजे से टीवी देख रहा होगा, ममता 10 साल से वहां रह रही होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इनके स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम
सब्जेक्ट प्लस बिल सेल प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम इंट्रोगेटिव बिल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस ब्रह्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। नोट देखिए स्टूडेंट्स, नोट किस तरह से लिखते हैं, तो आप नोट को देखिए अच्छी तरह से, यहाँ पे डालूँ नोट, नोट में लिखेंगे एफ आई आर एस टी फर्स्ट पर्सन आई बी आई वी के साथ क्या लगाते हैं सेल। सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही सी इट या दे के साथ लगाते हैं विल। क्या लगाते हैं बिल। अब देखिए स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से हमें देखना है, बिल्कुल अच्छी तरह से देखना है हमको। देखिए देखो, जैसे कि अब हमको एग्जांपल लिखना है, क्या लिखना है एग्जांपल, एग्जांपल्स। देखिए एग्जांपल्स लिखेंगे, एग्जांपल्स वह दो घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा है। वह दो महीने से कार नहीं चला रही है। कपिल 5 बजे से टीवी देख रहा होगा। कपिल 5 बजे से टीवी देख रहा होगा रहा होगा। तो इसमें यहाँ पे इंट्रोगेटिव बनेगा, क्या कपिल, क्या राधा 5 महीने से गीत नहीं
गा रही होगी। क्या राधा 5 महीने से गीत नहीं गा रही होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, देखिए, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी भूतकाल में, यानी आने वाले समय में कोई कार्य किसी समय से लेकर उस समय तक चल रहा होगा जहाँ तक हम बोल रहे हैं। जैसे कि मैं कहूँ वह 2 घंटे से अंग्रेज़ी पढ़ रहा होगा, यानी वह 2 घंटे से अंग्रेज़ी पढ़ रहा होगा, तो इसमें समय दिया गया है कि कितने बजे से, 2 घंटे से अंग्रेज़ी पढ़ रहा होगा। और मधु 2 महीने से कार चला रही होगी। कपिल 5 बजे से टीवी देख रहा होगा। ममता 10 साल से वहाँ रह रही होगी। देखो, वो इसमें क्या कह रहा है कि 2 घंटे से अंग्रेज़ी पढ़ रहा होगा, यानी कि आगे आने वाले समय में, भविष्य में, यानी कि वो कह रहा है कि 2 घंटे से अंग्रेज़ी, यानी वो जब से उसने कार्य किया है तब से लेकर, मतलब वो जब तक वो कह रहा है तब तक, यानी कि इसमें समय और दे रहा है। अगर हम ऐसे कहें कि वह अंग्रेज़ी पढ़ रहा होगा तो इसमें कोई समय नहीं है कि वो कब से पढ़ रहा होगा, लेकिन इसमें वो दे रहा है कि वह 2 घंटे से अंग्रेज़ी पढ़ रहा होगा। तो इसमें वह कितनी देर तक वह, मतलब जिस कार्य को करता है वह जितनी देर तक वह उस कार्य को करता है तो वो होता है करेगा, जितनी देर तक वह किसी कार्य को करेगा तो वह होगा अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें क्या है, समय का पता चलेगा कि वह कब से कब तक कार्य करेगा, यानी कि वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। मधु 2 महीने से कार चला रही होगी। कपिल 5 बजे से टीवी देख रहा होगा। ममता 10 साल से वहाँ रह रही होगी। तो यानी इसमें पता चल रहा है कि वो इतने घंटे से पढ़ रहा है, इतने बजे से पढ़ रहा है, इतने साल से कर रहा है। तो मतलब यानी कि इसमें कार्य करने का जो समय होता है वो आता है, तो जिसमें समय दिया होता है वो तो होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और समय नहीं, जैसे कि वह अंग्रेजी पढ़ रहा होगा तो पता नहीं चल रहा है कि वो कब से अंग्रेजी पढ़ रहा होगा, तो ये वो अपना फ्यूचर कंटिन्यूस का रहता है। और जिसमें हमारा जब से वो किसी कार्य को कर रहा है तो वह होता है जब से, जिस समय से वह किसी कार्य को कर रहा है तो होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अब आगे देखिए, आगे हम इनको किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे, फिर उसके बाद बीन लगाएंगे, तब वर्ब में ing लगाएंगे। मैंने कई एक बार बताया है कि रहा रही होने पर वर्ब में हमेशा ing तो आता है। उसके बाद सिंस या फॉर लगा के टाइम लिख देंगे। सिंस या फॉर मैंने पिछली 2 वीडियो में बताया है कि सिंस और फॉर का प्रयोग कब किया जाता है। उसके बाद टाइम लिख देते हैं, फिर सब्जेक्ट विल या शैल, फिर सक्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, अगर नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, तब हैव लिखेंगे। यानी कई एक बच्चे क्या करते हैं कि या तो हैव की बात नोट लगाएंगे या फिर बीन के बाद नोट लगाएंगे, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है, नियम यही कहता है इंग्लिश का कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगेगा, यानी कि उसके बाद जो है वो लिखा जाएगा। तब बीन, फिर वर्ब में ing, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और टाइम। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। तो निश्चित समय और अनिश्चित समय क्या होता है, मैंने पिछली 2 वीडियो में बताया है। तो आप इसको देखिए, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक कोई सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो उसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हमारी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट, तब हैव लगाएंगे और फिर बीन लगाएंगे, तब वर्ब में ing लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फॉर लगा के टाइम। अब देखिए, अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव के लिए सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगा दिया, और मैंने कई एक बार बताया है कि अगर
सब्जेक्ट के बाद सायक्रिया होने पर सायक्रिया के बाद, यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होने पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब न होने पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, तब हैव लगाएंगे और तब हम बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बीन। फिर वर्ब में क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। ऑब्जेक्ट और सिंस या फुल लगा के हम टाइम लिख देंगे। मैंने पिछली दो वीडियो में बताया है, आप अच्छी तरह से देख लेना, सिंस कब लगता है और फुल कब लगता है। अनिश्चित के लिए फोर और निश्चित के लिए सिंस, यानी निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फोर। तो देखिए आगे देखते हैं कि विल का प्रयोग कब किया जाता है और शैल का प्रयोग कब किया जाता है। तो देखिए विल का प्रयोग कब होगा और शैल का प्रयोग कब होगा, तो इसको पूरा लिख दें, विल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन और विल हैव बीन, ठीक है, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। तो देखिए शैल हैव बीन का प्रयोग कब किया जाएगा, विल हैव बीन का प्रयोग कब किया जाएगा, वो देखेंगे हम। तो ये है विल हैव बीन, क्या है? विल हैव बीन, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। तो देखिए फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल हैव बीन करेंगे। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो व्यक्ति किसी से बात करता है तो वह बात करने वाला यानी बोलने वाला होता है फर्स्ट पर्सन, यानी बात करने वाला यानी वक्ता, वक्ता जो वक्ता यानी बोलने वाला होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। और सेकंड पर्सन का मतलब होता है सुनने वाला या सामने वाला, जो हमारे सामने है जिससे हम बात कर रहे हैं वो होता है सेकंड पर्सन। तो सेकंड फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, और सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यानी कि ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, या किसी का लड़का या लड़की का किसी का नाम आ जाए वो। तो देखिए तो इस तरह से हम फर्स्ट पर्सन के साथ में सेल हैव बीन और सेकंड थर्ड पर्सन के साथ में विल हैव बीन लगाएंगे। तो देखिए वह दो घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा होगा, तो ही वो मतलब थर्ड पर्सन है, तो विल हैव बीन, विल हैव बीन, ही विल हैव बीन रीडिंग, रीडिंग इंग्लिश, रीडिंग इंग्लिश दो घंटे से, दो घंटे से। तो क्या करेंगे दो घंटे के लिए? फोर निश्चित समय, अनिश्चित है तो फोर टू आवर्स, फोर टू आवर्स, अब पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से वह दो महीने से क्या है ये, वह दो महीने से कार नहीं चला रही होगी। तो लड़की है तो सी, थर्ड पर्सन है तो बिल हैव बिल, और नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब होगा नॉट, तब हैव और बीन, विल हैव नॉट, वो विल नॉट हैव बीन चलाना कि डी आर आई वी ड्राइव, वर्ब में आई एन जी ड्राइविंग अ कार, अब पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब, थर्ड पर्सन है तो बिल, तब कपिल, कपिल, फिर हैव और बीन, देखना के लिए वॉच और आई एन जी वॉचिंग टेलीविजन, टेलीविजन। उसके बाद पाँच बजे से निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे? सिंस, सिंस फाइव ओ क्लॉक, ओ क्लॉक और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट से पहले विल, राधा, विल राधा नॉट हैव बीन, फिर उसके बाद गाना के लिए सिंग, इसमें आई एन जी सिंगिंग अ सॉन्ग। पाँच महीने से अनिश्चित समय के लिए फोर, फोर फाइव एफ आई वी ई फाइव मंथ्स, एम ओ एन टी एच मंथ्स, अब क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इस तरह से स्टूडेंट्स हम विल या शैल हैव बीन का प्रयोग करके हम इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम बना सकते हैं, और हम इनको रोज की दिनचर्या में किस तरह से प्रयोग करेंगे वो भी आप अच्छी तरह से देखें। देखिए अफर्मेटिव को कैसे बोलेंगे? वह दो दिन से चाय नहीं बना रहा होगा, तो क्या लिखेंगे इसमें? ही विल नॉट हैव बीन मेकिंग टी फॉर टू टू इट। तो ये मैंने नेगेटिव बोल दिया, हमें अफर्मेटिव बोलना है कि वह दो दिन से चाय बना रहा होगा, तो ही विल हैव बीन मेकिंग टी फॉर टू
डेज, वह चार दिन से साइकिल नहीं चला रहा होगा, तो ही विल नॉट हैव बीन राइडिंग बाइसाइकिल फॉर फोर डेज। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। और भी बना सकते हैं, वह दो महीने से कपड़े नहीं धो रहा होगा, तो ही विल नॉट हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर टू मंथ्स। वह चार बजे से स्कूल नहीं जा रहा होगा, वह चार बजे से स्कूल जा रहा होगा, तो ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 4 o'clock, क्योंकि बजे एक निश्चित समय होता है, तो इसके लिए सिंस 4 o'clock आएगा। और उसके बाद में जैसे नेगेटिव बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, वह 10 दिन से अंग्रेजी पढ़ने नहीं जा रहा होगा, तो अब हम क्या बनाएंगे, ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू रीड इंग्लिश फॉर 10 days। वह 5 महीने से अंग्रेजी नहीं बोल रहा होगा, तो ही विल नॉट हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 5 months। वह 10 दिन से चाय नहीं पी रहा होगा, तो ही विल नॉट हैव बीन टेकिंग टी फॉर 10 days। वह 10 साल से खाना नहीं पका रहा होगा, तो ही विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 10 years। तो इस तरह से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब हमारा सेंटेंस है ये वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या वह 10 साल से खाना नहीं पका रहा होगा, तो विल ही नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 10 years। क्या वह 10 महीने से साइकिल नहीं चला रहा होगा, तो विल ही नॉट हैव बीन राइडिंग अ बाइसाइकिल फॉर 10 days। क्या वह 5 महीने से टीवी नहीं देख रहा होगा, तो विल ही नॉट हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 5 months। क्या वह 2 दिन से तुम्हें अपना नाम नहीं बता रहा होगा, तो विल ही नॉट हैव बीन टेलिंग यू हिज नेम फॉर 2 days। तो इस तरह से बच्चों जो मैंने आज आपको बताया है, इस तरह से अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, तो इस तरह से आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव का आपको अच्छी तरह से इसका दिनचर्या में होने वाले सेंटेंसों का प्रयोग करना है, और इसी तरह से हमको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अगर इसको लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।